वेलकम बैक टू माई चैनल यो वॉचिंग चैनल ट्रेड टू ट्रेड एंड माई सेल्फ सुप्रीत तो आज की वीडियो हमारे अगेन है intraday options पे जो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग करी है निफ्टी options पे और कैपिटल गेन किया है क्लोज टू 15 टू 16% in इन अ सिंगल डे और अबाउट लिमिटेड कैपिटल है ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है 12 से तेरह हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट है और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं एक या दो लॉट जितने भी उस कैपिटल से आ सके सिर्फ टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग है और कोई इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग नहीं है लेकिन हाँ हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ एडिशनल कंफर्मेशन सो so, आइए चले मैं आपको ले चलता हूँ पहले निफ्टी के ऑप्शन से बात करेंगे तो निफ्टी का चार्ट पहले खोल लेते हैं ये हमारा निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है तो आप कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले आपको उस दिन में जिस ट्रेडिंग कर रहे हो उसके इमिडिएट जो आपने रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट्स हैं वो हमेशा पता होने चाहिए और मार्ग होने चाहिए आपके चार्ट चार्ट पे तो हमारे केस में हमारा इमीडिएट रजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा हमारे प्रीवियस दिन का हाई और लो जैसे हम इस केस में आज का दिन है 11 अप्रैल और उसका जो पिछला दिन है 8 अप्रैल को जो तो फ्राइडे था उसके जो हाई और लो है दे आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स टू बी मार्क्ड ठीक है ना अब ये हमने उसको यहाँ पे ये हमने इमीडिएट हमारे रेजिस्टेंस और इमीडिएट हमारा सपोर्ट एक्ट करेगा अगर प्राइस कभी भी इस रेंज में आएगा तो इसको हम कर देते हैं ब्लैक

हमारे को ये कंप्लीट हो जाती है और आगे इस ट्रेडिंग में आपको हमेशा बैठने जरूरत नहीं है जैसे मैं भी क्या है ऑफिस ऑफिस हमारा वर्क फ्रॉम होम चलता है कभी भी टाइम मिलता है बीच में हमेशा एक चार्ट खोल के चेक करता हूँ और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसे ज़रूर ट्रेड करता हूँ ठीक है ना सारा दिन का बेसिकली मैं पोजिशनल ट्रेडिंग ही करता हूँ लेकिन कैपिटल की वेस्ट नहीं है इतना अभी तो मैं अभी एज अ इंटरटे ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ वो भी बहुत ईजी है और हाई रिटर्न गिविंग है तो यहाँ पे हमारा क्या है तो ये पहली हमारी कैंडल है तो पहली कैंडल हमारे को देखोगे एक तो गैप डाउन है ठीक है ना ये हमारा पिछले दिन का आप देखोगे यहाँ पिछले दिन कहीं क्लोज हुआ है ठीक है ना और ये हमारा आज जो ओपन हुआ है कहीं प्राइस इस रेंज पे ये इस प्राइस पे ओपन हुआ है और उसके बाद सीधा एक फॉल आई है ठीक है ना उन फॉल का आप ट्रेड उस वैसे भी कर सकते हो कि आपने फर्स्ट डे पाँच मिनट की कैंडल के, के लो के ब्रेक पे भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हमें ट्रेडिंग जो करनी है हमें पुल बैक ट्रेडिंग करनी है जब भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही होगी तभी हमारे को ट्रेडिंग करनी है और जब भी एक पुल बैक हो रहा होगा तो हम इनिशियली तो हम मार्केट में घुसने की जरूरत है नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलरटाइल होता है दस से एटलीस्ट थर्टी मिनट्स वो वॉलरटाइल मार्केट होता ही है तो हम ट्रेडिंग मैक्सिमम करें नाइन फोर्टी फाइव के बाद ट्रेडिंग अगर करें तो उसमें वही सबसे ले सही है तो यहाँ पे हमारे को देखिए जब पहले जो इंडेक्स खुला तो सीधा ये फॉल हुआ ठीक है ना ठीक है अभी हमारे को ये सीधा फॉल हुआ अब ये फॉल जब हुआ है तो इसका इसका ये मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था ठीक है ना लेकिन अगर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होना है मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा ठीक है ना तभी वो ट्रेंड फॉलो होगा तो वो क्या हम उसको वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इस जगह हमारा एक लो बनाया ठीक है ना इसको ऐसे नहीं ऐसे कर तो ये एक लो बनाया यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की ओर जाना चालू हो गई ठीक है ना अब हमको देखना कि हमारा इमिजिएट रेजिस्टेंस अब क्या होगा ठीक है और कब ये बुले कब ये एज अ ट्रेंड चेंज होने क्या ये ट्रेंड चेंज हो रहा है हम यहाँ वेट करेंगे हम क्या करेंगे जब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ओ ये हमारी सिंपल ट्रेंड लाइन है ठीक है ना मार्केट अभी ऊपर जा रहा है वी आर वेटिंग तो मार्केट रिवर्स कब होगा तो मार्केट रिवर्स होने के क्या क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ होने चाहिए पहले तो हम यूज कर सकते हैं कोई कोई हमें रिवर्सल कैंडल पैटर्न दिखे ऊपर जाते समय तो हमें एक जो पैटर्न यहाँ पे दिखा है वो ये हमें दिखा कि यहाँ पे एक, एक पिन बार बन गया जो कि एक कंफर्मेशन हो सकता है रिवर्सल का यहाँ पर हमने वेट किया उस कैंडल को बनने का इंतजार किया दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है कि आप फेबनाची अगर आप वो जानते हो तो आप लगा सकते अगर फेबनाची लगाओगे तो यहाँ से लेकर अगर इस स्लो पे मार्क करूंगा मैं सिवनाचे में देखोगे तो ये पॉइंट सिक्स वन एट परसेंट मतलब मैक्सिमम जो स्टॉक स्टॉक या इंडेक्स रिट्रेस करेगा वो क्या है पॉइंट फाइव टू पॉइंट सिक्स एट का जो, जो जोन होता है ये ला बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है यहाँ से हाई चांसेस है कि जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के हाई चांसेस है रिटर्न के रिवर्सल के हाई चांसेस तो हमको एक एडिशनल कन्फर्मेशन ये भी मिला एक तो बुलिश पिन बार बनी बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट वन एट अलेवल पे और हमारे को रिवर्सल ये पैटर्न दिख रहा है ठीक है फिफ्टी परसेंट फिबनाची सेकंड कंफर्मेशन हमारा क्या होगा फिबोनाची से कि यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि इतना रिट्रेस हो चुका है अब यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से वापस से मुड़ेगा ठीक है अब अब एक और एडिशन आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेजेस क्योंकि ई एम ए में यूज़ करो तो जैसे यहाँ पे लगा रखा है मैंने ई एम ए जो कि है हमारा एट ट्वेंटी वन और फिफ्टी का ई एम ए तो ये हमारा एट है ये ट्वेंटी वन और फिफ्टी है ये भी हमको एडिशनल कंफर्मेशन दे सकते हैं एज अ रिवर्सल तो यहाँ पे हमको अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे जो जो अपना इंडेक्स है ऊपर गया सरफ, है मूविंग एवरेज की तरफ अपना एवरेज मेंटेन करने और वहाँ से फिर से नीचे की ओर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा अगर डाउन ट्रेंड है तो यहीं पर वही हुआ यहाँ पे क्या किया यहाँ हमारा बुलिश पिन बार पिन बार बना एक कन्फर्मेशन ट्रेंड लाइन ब्रेक हमारे से रजिस्टेंसर्मेशन और दूसरी जो का देखा था वो भी हमारा एक कन्फर्मेशन ही है तो हमारा श्योर है कि यहाँ से हमारे को एंट्री हम कर सकते हैं यहाँ पे हम इन द मनी या एट द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा यहाँ से जो हाँ पहली बार रिटर्न किया है अब यहाँ से देखोगे मल्टीपल एक बार दो बार तीन बार चार बार इस लेवल के आके उसी दिन वो रिवर्स हुआ है तो हमारा पहला टारगेट तो इजी मीट होगा यहीं पे और मेरी भी एंट्री देखोगे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो पहली एंट्री हमारा अराउंड हुई थी टेन ट्वेंटी बाय किया था दो लॉट बाय किए थे पचास पचास लॉट पचास का है दो लॉट बाय किए थे और ट्वेंटी टू के अराउंड एंट्री है तो टेन ट्वेंटी टू यहाँ पर देखते हैं टेन ट्वेंटी टू तो टेन ट्वेंटी ये मार जो ये अपना कैंडल बनी है ये कब बनी है अराउंड टेन थर्टी कैंडल है मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो इसी पिछली कैंडल जो है यहाँ पे मैंने जैसे बुलिश पिन पिन बार बना मैंने यहाँ पे फुट ऑफ में बाइक कर दिया एकदम बने और यहाँ पे इजी बहुत अच्छा फॉलो होगा और यहाँ तक हमारा इज अ हमारा टारगेट हो सकता था तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फॉल है इसको हमने पूरा अच्छे से प्रीमियम यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से प्रीमियम क्योंकि एक, यहाँ पर एक्सलोरेशन लॉस भी बहुत तेज है बहुत तेज़ी से ते प्रीमियम बढ़ा हुआ और यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया एक और मैंने एंट्री की थी सिंपल यूजिंग प्राइस एक्शन नथिंग एल्स तो जब इस अब देखो यहाँ पे अपना इंडेक्स नीचे आया वापस ऊपर चला गया नीचे आया ऊपर चला गया तो हमें क्या है कि एग्जैक्टली exactly हमें पॉइंट्स तो हमें बहुत मिलेंगे लेकिन आप जब बैठे हो ट्रेडिंग सिस्टम पर आपको अगर कुछ दिखता है तभी ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे इस समय मैंने कोई मैंने ट्रेडिंग करी यहाँ पे क्या था ये हमारा पैरा एक और रजिस्टेंस है जो कि उसी दिन का हाई है ठीक है ना इसी उसी दिन का हमारा हाई पॉइंट है तो जब इंडेक्स वहाँ तक गया तो वी नीड टू तो ऑब्जर्व कि वहाँ पे एक्चुअली में रिएक्शन क्या होता है तो अब देखोगे तो इसने ब्रेकआउट दिया और ये एज अ फॉल्स ब्रेकआउट था ठीक है ना क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रेंड डाउन नहीं है यहाँ पे एक यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया और दूसरी चीज़ है यहाँ पे गैप भी है अब ये देखोगे यहाँ पे जो ये गैप ये गैप भी है क्योंकि पिछली बार जब यहाँ क्लोज़ हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था एक गैप है तो गैप फिलिंग भी हो सकती है तो वेट करना है कि वहाँ से अगर हमें कोई डिस्टेंस मिलता है और फिर से वापस इंडेक्स अपने उसकी तरफ जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और आपको क्या दिखेगा नॉर्मली देखोगा अभी अब दिन में देखोगे इस टाइप का पैटर्न भी हमें ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है ठीक है ना हमारा इंडेक्स जो है इस इस लाइन पर भी ट्रैवल कर रहा है तो वी विल वेट फॉर इट टू ब्रेक लेकिन हमारी एंट्री मैंने पहले ही कर ली थी जब यहाँ से अब ये देखो ये जब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था ये मैं हाई कर रहा था ठीक है ना जब इसने ये हाई लगाया था और आगे जाके भी ये एज अ रेजिस्टेंस ना सपोर्ट एक्ट करेगा ठीक है ना लेवल उसके बाद जब ये लेवल आगे जाके फिर से ब्रिच हुआ इस कैंडल ने जो कि है टेन टू तो थर्टी फाइव की कैंडल ने इसे ब्रीच किया तब हमारी यहाँ पे एक और एंट्री बन सकती है अब यहाँ पे देखो कि मेरा जो मेरा सेकेंड ऑर्डर है जो मैंने पुट ऑप्शन अगेन बाय किया था दैट वॉज अराउंड टेन थर्टी फोर टू थर्टी फोर तो टू थर्टी फोर तो टू थर्टी फोर मतलब टू थर्टी कैंडल यहाँ पे हमारा ये हमारी कैंडल कौन सी है टू थर्टी, तो ये इस कैंडल जैसी कैंडल बन रही थी वहां पे तब पुट ऑप्शन बाय किया और वहाँ उसके बाद फॉल देखिए, तो अगेन द प्रॉफिट परसेंटेज आप देखोगे यहाँ पे इतना अच्छा मतलब यहाँ पे प्रीमियम मिला मतलब इन कितनी देरी पोजिशन थी हमारे पास थर्टी फोर पर की थी और दस मिनट का ही पोजिशन पुण थी और करीबन हमें वन थर्टी वन पर बाई करके वन सिक्सटी फाइव भेज दिया एंड ओनली वन लॉट ठीक है ना वन लॉट की वजह से ही दो हज़ार प्रॉफिट बना है। यहाँ पर देखोगे दिन का प्रॉफिट दो हज़ार है ठीक है ना और पास कैपिटल इनिशियल कैपिटल आप जो था साढ़े बारह साढ़े साढ़े बारह हज़ार के अराउंड था और आप देखोगे अगर एज अ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे आप देखोगे दिस इज क्लोज टू सिक्सटीन परसेंट ऑफ रिटर्न ठीक है ना एक दिन में तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ सच अ बेनिफिशियल जॉब आप अगर आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके करोगे तो इसमें अच्छे पैसे आप बना सकते हो और दिन का डेली का टाइम विद इन मोर देन टेन परसेंट आप रिटर्न कमा सकते हो जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा बस यहाँ पर आपको समझ के करना है टेक्निकल एनालिसिस पूरा लगा के करना है तो कॉन्सेप्ट जो आप सीखते हैं उसको अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे तो ये सारा टेक्निकल सेटअप था एक ऑप्शन ट्रेडिंग का हमेशा ऑप्शन बाय करिए इन द मनी एट द मनी एक्सपायरी वाले दिन अवॉइड ऑप्शन बाइंग ठीक है ना अगर जिन ऑप्शन की उस दिन भी आपको बाय करना तो गो फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन तो ये हमारा निफ्टी ऑप्शन था बेसिक डिटेल था सिर्फ ट्रेंड लाइन और यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी एक यहाँ पे यहाँ पे भी हमको क्या यूज़ कर सकते थे एम एज का सपोर्ट यूज़ कर सकते थे एम ए को जब ब्रेक कर रहा था नीचे आया था एम एस और चेंज भी हो रही थी आठ नीचे आ रही थी उसके ऊपर ट्वेंटी वन है फिर फिफ्टी है तो एम एस का भी सपोर्ट दे सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक है मेजर रजिस्टेंस ब्रेक है कन्फर्मेशन आप अपने बना सकते हो लेकिन मेन इज़ अ प्राइज एक्शन यहाँ पर प्राइज एक्शन जो कह रहा था कि यहाँ से एक बार फॉल रिवर्स बैक हुआ है देन इट हैज़ होल्ड इट होल्ड होने के बाद जब वो फिर से लेवल टूटा तो हमने यहाँ पे प्रोडक्शन बाय किया ठीक है तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी होप कुछ आपने सीखा होगा बेसिक ट्रेडिंग करके भी कैसे हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और मेन चीज़ ये यहाँ पे पैसों की बात नहीं है लेकिन जैसे ही आप लॉट बढ़ाओगे आपका प्रॉफिट यही दो, दो हज़ार पाँच हज़ार बन जाएगा पाँच हज़ार दस हज़ार बन जाएगा दस हज़ार आप बीस हज़ार बना सकते हो सिर्फ आपके लॉट के डिपेंड है लेकिन यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं एक्शन सीख रहे हैं सिंपल एक्शन है ट्रेंड लाइन मूविंग एवरेजेस ये सब आप एज एडिशनल कन्फर्मेशन यूज कर सकते हैं ओके चलिए बाय